सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, झारखंड का हर जिला अपने आप में कुछ कहता है। दोस्तों, अगर आप हैं पक्के झारखंडी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं झारखंड के दो खूबसूरत जिले यानी कि गुमला और खूंटी को कंपैरिजन करके बताऊंगा कि दोनों जिले में से सबसे विकसित जिला कौन सा है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि झारखंड का कोई भी जिला अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं है। ये कंपैरिजन मेयरली वहाँ के तथ्यों पर आधारित है। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल एंड तक, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल जरूर सेट कर लें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गुमला और खूंटी जिले के बीच में तुलना करने के लिए इन प्रमुख बातों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। नंबर वन, एरिया। दोस्तों, गुमला जिले का टोटल एरिया 5,327 स्क्वायर किलोमीटर का है, वहीं खूंटी जिले के टोटल एरिया 2,611 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो इस मामले में गुमला जिला खूंटी जिले से काफ़ी बड़ा है। नंबर टू, पॉपुलेशन। दोस्तों, पॉपुलेशन की बात की जाए तो 2011 के सेंसस के अनुसार गुमला जिले का पॉपुलेशन 10,30,000 है, वहीं खूंटी जिले का टोटल पॉपुलेशन 5,31,000 है। यानी कि पॉपुलेशन के लिहाज से भी गुमला जिला खूंटी जिला से कहीं आगे है। नंबर थ्री, सेक्स रेशियो। दोस्तों, सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात को देखें तो खूंटी जिले का सेक्स रेशियो 997 महिला प्रति 1000 पुरुष है, जबकि गुमला जिले का सेक्स रेशियो 993 महिला प्रति 1000 पुरुष है। यानी कि इस मामले में खूंटी जिला गुमला जिले से थोड़ा सा आगे है। नंबर फोर, लिटरेसी रेट। दोस्तों, लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर के बारे में बात करें तो खूंटी जिले का लिटरेसी रेट 64.51% है, वहीं गुमला जिले की साक्षरता दर 63.73% है। यानी कि साक्षरता के मामले में खूंटी जिला गुमला जिले से थोड़ा सा आगे है। नंबर फाइव, इकोनॉमी। इकोनॉमी के मामले में गुमला जिला खूंटी जिला से थोड़ा आगे है, जहां गुमला जिले में नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज का अकूत भंडार है, जिसमें बॉक्साइट और स्टोन शामिल है। इसके अलावा यहां के लोग ईंट का कारोबार भी करते हैं। वहीं बात अगर खूंटी जिले की हो तो खूंटी जिला पूरी तरह से कृषि या जंगल के संसाधनों पर डिपेंडेंट है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ के मुख्य जीविका स्रोत में शुमार है। नंबर सिक्स, पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, गुमला जिले का पर कैपिटा इनकम लगभग 15,000 रुपये के आसपास है। वहीं बात अगर खूंटी जिले की पर कैपिटा इनकम की करें तो यहां का पर कैपिटा इनकम 24,500 है। यानी कि इस मामले में खूंटी जिला गुमला जिले से बहुत ही आगे है। नंबर सेवन, एजुकेशन। दोस्तों, खूंटी जिला में कुछ बहुत छोटे बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनमें बिरसा कॉलेज खूंटी, होली श्राइन पब्लिक स्कूल और सेवेंथ डे पब्लिक स्कूल मुख्य हैं। वहीं गुमला जिले में कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, जिनमें कार्तिक उराव कॉलेज, नोटरे डैम स्कूल, एसएस गर्ल्स हाई स्कूल, ल्यूथरन हाई स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, संत स्टीफेंस स्कूल आदि मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। नंबर एट, टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, घूमने के लिहाज से देखा जाए तो गुमला और खूंटी ये दोनों जिला खूबसूरत पहाड़ियों और नदियों से घिरा हुआ है। जहां एक और गुमला जिले में घूमने के लिए कामडारा, वासुदेव कोणा, टांगीनाथ, नागफेनी, नगर, देवकी, हापा मुनि और आंजन जैसे जगह हैं, वहीं खूंटी जिले में घूमने के लिए
अंगड़ाबाड़ी शिव मंदिर, पंचघाग वाटरफॉल, डोंगरी बुरु, उली हातू, बिरसा मृग विहार, पिरवा घाग फॉल, रानी फॉल आदि सुमार हैं। नंबर 9, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में खूंटी जिला सड़क, रेल और हवाई मार्ग से कई शहरों से जुड़ा हुआ है। जहां खूंटी तक पहुंचने वाले कुछ प्रमुख रोड्स में रांची हुटर खूंटी, चाईबासा मोरहू खूंटी, सिमडेगा बसिया तोरपा खूंटी और तमाड़ अड़की खूंटी हैं। वहीं रेल साधन में खूंटी का नज़दीकी रेलवे स्टेशन कर्रा, हटिया और रांची रेलवे स्टेशन है। वही हवाई मार्ग में यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट 35 किलोमीटर दूर अवस्थित रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। गुमला तक पहुँचने के लिए आप सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुमला से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स काफ़ी दूर पर हैं। यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन लोहरदगा रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ से 48 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से 93 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 10, क्राइम रेट। दोस्तों, गुमला जिले का क्राइम रेट 2018 में 104.08 था। वहीं खूंटी जिले का क्राइम रेट 2018 में 81.97 था। यानी कि खूंटी जिले में गुमला जिले की तुलना में कुछ हद तक कम अपराध हुए थे। तो दोस्तों, गुमला और खूंटी जिले में से आपको सबसे विकसित और सबसे बढ़िया जिला कौन सा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस शहर या जगह की देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।